Hi guys, welcome to the channel again. आपका स्वागत है कारबाइक 360 में. आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, that is none other than Hyundai Creta N-Line. और इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं. ये ना केवल कॉस्मेटिकली डेवलप हुई है, बट इसके अंदर मैकेनिकल चेंजेस भी आए हैं. उन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे Hyundai Creta N-Line अब ज्यादा बेहतर, स्पोर्टियर एंड प्रीमियम हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इस वीडियो में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमसे एक एक्सपर्ट रिव्यू एंड किस तरीके की इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स अब हो चुकी है, किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट अब परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना केवल सस्पेंशन ट्यूनिंग की गई है बट स्टेयरिंग फीडबैक भी इसका जो है वो काफी चेंज किया गया है. स्टेयरिंग रेस्पॉन्स आई वुड रेदर से, और साथ ही ब्रेकिंग के ऊपर काम किया गया है कि नहीं किया गया, हमने क्या महसूस किया है, उन चीजों के बारे में बात करेंगे. जैसे यस योर यूट्यूब चैनल, कंसीडर दिस चैनल सब्सक्राइब. चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. गाइस, हम लिखा चुके हैं फिलहाल Hyundai Creta को हाईवे पर, और ये क्योंकि हाईवे के लिए बनी है, ये रानी है अभी फिलहाल हाईवे की, और इसीलिए आज हम इसको हाईवे पे टेस्ट करेंगे और जानेंगे, बताएंगे भी आपको कि किस तरीके की परफॉर्मेंस है, इसके सस्पेंशन सेटअप किस तरीके से ट्यूब किए गए हैं, क्या ब्रेकिंग में कुछ अभी चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं कि नहीं, एंड इसका स्टेयरिंग फीडबैक अब कैसा हुआ है, क्योंकि इन तीन जगह पर जो है वो स्पेशली काम किया गया है. ब्रेकिंग को हटाकर अगर सस्पेंशन सेटअप एंड स्टेयरिंग कॉलम के बारे में बात करें तो यहाँ पर जरूर काम किया है. देखो फीचर्स और क्या क्या इसके अंदर आ रही है वो तमाम चीज़ें आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हो. आप इंटरनेट पर क्या नहीं पढ़ सकते हो वो है हमारा एक्सपर्ट रिव्यू, जो आप हमारे चैनल पे तो देखोगे, इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी देखोगे. तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द carbike360.com, वहां पर जो है एक्सेस कीजिए. मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए छोड़ूंगा और आप वहां जाके हमारा एक्सपर्ट रिव्यू पढ़िए डिटेल में, इन डेप्थ में. चलिए फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं. हियर इज द की फॉब, वही कन्वेंशनल की फॉब जो आपको Hyundai की मिलती है, काफी टाइम से आ रही है, मुझे लगता है चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि अब आउटडेटेड फील होने लगी है. देखिए यहाँ पर जो है वो आप गियर लीवर थोड़ा डिफरेंट देखोगे, इसके ऊपर जो है फिनिश अच्छी है एंड एन की बैचिंग है थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द केबिन आपको एन लाइन की बैचिंग जो है वो वेलकम करती हुई नजर आएगी. आपको बताती रहेगी कि ये कैसे डिफरेंट है Hyundai Creta रेगुलर Creta से. ये रेड इंसर्ट्स आपको तमाम जगह देखने को नजर आएंगे. फिट एंड फिनिश, मटेरियल क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, इन सभी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है Hyundai, कभी करती भी नहीं है. बेस्ट पार्ट ये है कि रियर की सीट्स के लिए भी सीट बेल्ट रिमाइंडर ऑफर किए गए हैं. वो लोग जो पीछे बैठे तो हैं बट उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, उनको यहाँ पर जो है वो बार बार वो परेशान करेगा तब तक जब तक वो लगा ना ले. दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव सेफ्टी फीचर. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फिलहाल थोड़ा सा रेव कर लेते हैं, और जब हमने इसको हाईवे पे टेस्ट किया तो वी गॉट टू नो कि इसकी जो टॉप स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर पे लिमिट की गई है. मैंने अभी तक Hyundai से नहीं सुना था कि उन्होंने लिमिट किए इलेक्ट्रॉनिकली, बट जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा था तो 200 से प्लस जो है वो नहीं जा रही थी. हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे थोड़ा सेफ ड्राइव करने में यकीन रखते हैं, इसलिए हम जल्दी आ गए थे ताकि कम से कम ट्रैफिक यहाँ पर जो मिले. अर्ली मॉर्निंग जो है हम यहाँ पर आ गए थे, ट्रैफिक कम था, उस दौरान 200 किलोमीटर पर आवर पे ये टच की थी. बट फिलहाल परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये किया सेल्टॉस से कुछ डिफरेंट है कि नहीं, उसके बारे में ज़रा बात करते देखो. सबसे पहले तो फर्स्ट कम फर्स्ट, दिस इंजन इज सुपर्ब, मक्खन इंजन है. आपको रिफाइनमेंट की एक नई डेफिनेशन प्रोवाइड करता हुआ नजर आएगा. आपको लगेगा कि गाड़ी रिफाइन है, नॉइज नहीं है गाड़ी के अंदर, और अंदर इंसुलेशन इतनी अच्छी की गई है कि रोड नॉइज या मैं कहूँ टायर नॉइज भी आपको 150 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में नहीं सुनाई देगी. यानी कि आपको इरिटेशन लेवल जो है वो आपका नहीं बढ़ेगा, आप इरिटेट नहीं होगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की यार बहुत ज्यादा आवाज आ रही है कि क्या हो रहा है, मैं पेट्रोल चला रहा हूँ उसके बावजूद भी ये हालत है. नहीं, ऐसा नहीं है. प्रॉपर इंसुलेशन, बहुत सारे OEMs जो है वो इस चीज के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा है, यूजर एक्सपीरियंस को और अच्छा कर रहा है, इलीट कर रहा है. तो यहाँ पर ये रीजन बनता हुआ नजर आता है. चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं इस गाड़ी के बारे में, स्पेशली इंजन. TJDI इंजन है. इट इज ऑल्सो ऑफर्ड इन Hyundai Verna, इट इज ऑल्सो ऑफर्ड इन Kia Carens एंड Kia Seltos यहाँ पे. और ये इंजन अब जो है वो Creta के अंदर फाइनली आ चुका है. Creta से एक इंजन 114 TJDI है जो डिसकंटिन्यू कर दिया था BS6 स्टेज 2 के बाद में, और क्योंकि वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया था तो अब उस टाइम Creta के अंदर प्री फेसलिफ्ट वर्जन में दो ही इंजन आया करते थे, एक 1.5 डीजल एंड एक 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो इसके अंदर भी आता है. लेकिन Creta N-Line को डिफरेंट बनाता है ये इंजन, एंड Creta N-Line में केवल ये इंजन आता है, इसके अलावा कोई और इंजन आप जो है वो ऑफर होते हुए नजर नहीं आओगे. यहाँ पर 1.5 लीटर का ये जो TJDI इंजन है वो तकरीबन 160 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क, विच इज ग्रेट फॉर एन इंजन लाइक दिस एंड स्पेशली फॉर अ कार जो इस सेगमेंट में प्लेस की गई है. 160 PS के आसपास अगर आप पावर देखें तो सेगमेंट में केवल Kia Seltos के पास में है.
और यही रीजन है कि ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कार इन द सेगमेंट बनती है. वन ऑफ द बेस्ट नहीं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस कार एज ऑफ नाउ. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. क्यों? क्योंकि इसके जो अंदर 1.5 लीटर का TGDI इंजन है, इसके साथ में कुछ और मैकेनिकल्स के साथ में भी काम किया गया. फॉर एग्जाम्पल, इसके जो सस्पेंशन सेटअप है, इसका सस्पेंशन सेटअप आता है मैकफर्सन स्ट्रट्स एंड टॉर्शन बीम सेट के साथ में, बट उनको रीट्वीक किया गया है इसके परफॉर्मेंस के लिए. यानी कि राउंड द कॉर्नर्स एंड ऑन द हाईवेज बहुत प्यार से ग्रिप बना के चलेगी. देर वुड बी अ ग्रेट ग्रिप स्टेबिलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, वो स्टेबल आपको होती हुई नजर आएगी. राउंड द कॉर्नर्स भी जो हैंडलिंग है इसकी पैनिक ब्रेकिंग में, वो काफ़ी कमाल की है. एंड मुझे ये आशंका है कि ह्यूंडई ने इसकी ब्रेकिंग के ऊपर भी काम किया है, क्योंकि द मोमेंट यू प्रेस द ब्रेक पेडल आपको वो सेंसेशन ब्रेकिंग की जो है स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे करके वो बढ़ती हुई चली जाती है जैसे ही आप उसको प्रेस करते हुए चले जाते हो. तो एक चीज़ और, इस इंजन के साथ में ना केवल मैकेनिकल्स बस इसके स्टेयरिंग को भी जो है वो रिट्वीक किया गया. क्या वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है, क्या वो जस्टिफाई कर पा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन मैं पहले इसके सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात कर लूँ. देखो, ये जो सस्पेंशन सेटअप है ना, ये आपको सिटी ड्राइव में स्पेशली तब जब आप पॉटहोल कवर कर रहे हो तब थोड़ा से हार्ड लगेंगे. वो रियलाइज़ होगा कि यार हाँ यहाँ पर तो हल्के से हार्ड है, बट इनका जो मेन वर्किंग है या इनका जो मेन काम है वो कब आएगा? वो तब आएगा जब आप इनको लेके चलोगे हाईवेज में, परफॉर्मेंस निकलवाओगे इससे, और जब आप इसको रफ ड्राइव करोगे तब आपको रियलाइज़ होगा ना केवल बॉडी रोल रिड्यूस हुए हैं, हल्के से बॉडी रोल जो है वो कम हुए हैं, राउंड द कॉर्नर्स जो है वो ये स्टेबल हुई है. एंड यहाँ पर जो सस्पेंशन सेटअप है वो अब सॉफ्ट नहीं है, उनको हार्ड कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स में बदलाव आया है. पहले तो जब i20 के साथ में हुआ था तो वहाँ पर भी यही चीज़ की गई थी, जब वेन्यू के साथ में किया गया तब भी सस्पेंशन एंड स्टेयरिंग दोनों के ऊपर काम किया गया था. सेम इज विद क्रेटा इनलाइन, यहाँ पर भी सस्पेंशन स्टेयरिंग दोनों के ऊपर काम किया गया. क्या स्टेयरिंग में बदलाव है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं. देखो, जब आप स्टेयरिंग को पकड़ोगे तो एक तो स्टेयरिंग कॉलम कम्प्लीटली नया है, और ये i20 एंड वेन्यू से जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है. एंड इसके साथ में आते हैं ये पैडल शिफ्टर्स. तो जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड पे डालोगे एंड जो आप चाहोगे कि इसको थोड़ा हाई रेव किया जाए तो आप डाउन शिफ्ट कर सकते हो. अभी मैं 4th पे जो है वो चला रहा हूँ एंड देयर यू गो. एंड इन पैडल शिफ्टर्स के थ्रू आप इजीली गियर्स को जो है वो स्विच कर सकते हो. ये देखिए 7th पे मैं आ चुका हूँ और मुझे कोई समस्या जो है वो गियर चेंज करने में नहीं हुई. ये 7-speed DCT ट्रांसमिशन है बाय द वे. तो स्टेयरिंग कॉलम का जो डिज़ाइन है उसके ऊपर अगर आप देखें, लेदर टच है एंड बहुत सारे स्विचेस हैं, टॉगल्स हैं. यहाँ पर भी ब्लैकआउट किया गया है इस पूरे स्टेयरिंग व्हील को. और एक कमाल की बात ये है कि ये जो स्टेयरिंग व्हील है ये i20 एंड Hyundai Venue इन दोनों से जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है. अब क्योंकि कैरी फॉरवर्ड किया गया है तो कुछ तो डिफ्रेंशिएट होना चाहिए. इसके प्ले में क्या बदलाव है, चलिए जानते हैं. देखिए, इसका फीडबैक जो है वो मुझे रेगुलर क्रेटा से ज़्यादा बेहतर लगा. इसका फीडबैक अच्छा है क्योंकि जो प्ले है वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अननेसेसरी का प्ले, या मैं कहूँगा कि हो है ही नहीं इसके अंदर प्ले. और हल्के से रिस्पॉन्स में ये अपना मोशन दिखाता है, ये मूवमेंट जो है वो दिखाता है, गाड़ी को जो है वो एक मोशन देता है, एक डायरेक्शन देता है वो ड्राइवर से. तो वो स्टेयरिंग कॉलम मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. एंड ये जो स्टेयरिंग कॉलम है उसको थोड़ा सा हार्ड भी किया गया है. हार्ड इसलिए भी किया गया क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस गाड़ियों को देखोगे तो उनका स्टेयरिंग जो है वो स्पीड के साथ साथ हार्ड होता चला जाता है. तो इसको हार्ड इसलिए रखा गया है ताकि ये ओवर स्टीयर ना कर जाए. जब आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपके पास में एक अच्छी ग्रिप हो उसके स्टेयरिंग पे, एंड वो ओवर स्टीयर ना करे और अंडर स्टीयर भी ना करे. तो एक वो परफेक्ट मैच वहाँ पर जो है वो स्टेयरिंग का रखा है कि ओवर स्टेयरिंग एंड अंडर स्टेयरिंग दोनों को ही बचा सके और आपको एक बेहतरीन फीडबैक दे सके. तो ये 3 जगह जहाँ पर Hyundai ने काम किया है, इन 3 जगह मैं काफ़ी खुश हूँ और इनके परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा हूँ. बाकी रेगुलर रिव्यू अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो रेगुलर रिव्यू में आपके पास में पतला ए पिलर है. जब आप एक यू टर्न ले रहे होंगे या पिन बेंड पे होंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि यार अननेसेसरी का ब्लाइंड स्पॉट नहीं क्रिएट हो रहा है. ऑब्वियसली जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट आपके सामने रहेगा तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ व्यू तो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसको तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. बट अननेसेसरी का जो व्यू है वो यहाँ पर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा एंड ये रीजन बनेगा एक परफेक्ट व्यू मिलने का. फ्रंट का व्यू काफी गजब का है क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो बोनेट भी जो है वो विजिबल है, और बोनेट जब विजिबल होता है तो आपके पास में क्लस्ट्रोफोबिक जगह से निकलने की शक्तियां प्रदान कर देती है गाड़ी, क्योंकि आप बिना किसी हेल्पर के, मैं कहूँ कंडक्टर के या को ड्राइवर की मदद के, आप इजिली जो है वो मार्केट से निकल सकते हो, इजिली जो है वो मार्केट से इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हो. जो ORVM है उसका डिज़ाइन काफ़ी बड़ा, उसको आगे तक जो है कोनिकल रखा गया, जिसकी वजह से जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो ज़रूर यहाँ पर बढ़ा है. और जब इसका एरिया बढ़ा है तो ऑब्वियसली व्यूअरशिप भी बढ़ी है. तो पीछे का IRVM अगर हम बात करें तो IRVM का भी जो व्यूअरशिप है वो भी काफ़ी इंप्रूव हुई है. तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज ही अब बनती हुई नज़र आती है. वो तमाम चीज़ें जो पिछली वाली क्रेटा के अंदर हल्का नज़रअंदाज किया गया था वो इसके साथ में जो है वो अब अवेलेबल है. जो सीट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं,
बकेट सीट्स आपको मिलती हैं, लेदरेट टच है इसके ऊपर, लेदरेट फिनिश है इसके ऊपर, जिसकी वजह से प्रीमियम टच भी कहीं ना कहीं है। अब इंटीरियर जो है वो ब्लैकआउट किए गए हैं, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी गाड़ी में बैठो गर्मियों में तो रिमोट इंजन स्टार्ट जो है वो स्टार्ट कर लीजिए, ताकि एयर कंडीशनिंग यूनिट जो है वो कूल कर दे जब तक आप पहुंचे अपने घर पे और ये गर्म ना महसूस हो। ब्लैक इंटीरियर के साथ में ये दिक्कत है, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन गर्मियों में परेशान करते हैं, और गर्मियों में इतना परेशान करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में इंजन स्टार्ट स्टॉप नहीं है तो आप ना ढूंढते रहते हो हमेशा शेड कि कहीं ना कहीं मुझे शेड मिल जाए, मैं अपनी गाड़ी वहीं पे पार्क करूँ। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे फीचर दी गई है। ऑब्वियसली आपके पास में वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती हैं, और गर्मियों में जब आप चलोगे तो ज़रूर आपको रियलाइज़ होगा कि यार कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। तो जब गर्मियों में चलोगे तो कभी बैक से पसीना नहीं आए, ये आपके पास में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है। अब वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है लेकिन हीटेड सीट्स का नहीं है, सर्दियों में ये अपोजिट भी फील यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। वैसे दोस्तों हम लोगों ने इसके माइलेज टेस्ट भी किया है, और हमारे माइलेज टेस्ट में ये रिपोर्ट आई कि जब हमने 20 किलोमीटर इसको सिटी में चलाया और 32 किलोमीटर हाईवे पे चलाया तो एक क्यूमुलेटिव माइलेज जो आया वो तकरीबन 13.8 किलोमीटर पर लीटर का था, जो बताता था कि कैसे सिटी और हाईवे पे दोनों पे अगर आप चला रहे हो तो एक डिसेंट माइलेज ही आपको देती हुई नजर आएगी। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे जब हाईवे चल रहे हो तो ये जो माइलेज है इट कैन इवन जंप अप टू 16-17 और मे बी 18 किलोमीटर, टोटली डिपेंड ऑन योर ड्राइविंग स्किल्स एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन योर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यू आर प्रेफरिंग। अगर आप मैनुअल लेते हो तो कहीं ना कहीं माइलेज थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में स्टेडिसिटी जो है वो ज़्यादा क्लेम भी कर रहा है, 18.2 किलोमीटर पर लीटर टू बी प्रोसाइज। मैनुअल में ये गाड़ी आपको 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती हुई नजर आएगी। सो ये तो है कुछ ड्राइविंग डायनामिक्स, और चीज़ों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कुछ और चीज़ें जैसे कि ये ट्रांसमिशन, ये सेंस फिट डीसीटी है और इसके अंदर केवल सेंस फिट डीसीटी ही आता है, या फिर आप मैनुअल ले सकते हो, कोई और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जैसे कि टॉक कन्वर्टर या सीवीटी वगैरह नहीं ऑफर किए गए हैं। एंड अच्छा भी है क्योंकि डीसीटी है तो परफॉर्मेंस आपके पास में ऑलरेडी आती है एज कॉम्प्लीमेंट्री, एंड मैनुअल में भी परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा से रहती ही है। अब ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जब आप चलाओगे तो ये है काफ़ी स्मूथ, आपको गियर शिफ्ट्स पता भी नहीं चलेंगे, एंड डीसीटी क्योंकि उसके अंदर डुअल क्लच होता है तो ऑलरेडी अगले वाले गियर को जो है वो एंगेज करके रखता है और आपको देता है एक अच्छा परफॉर्मेंस, और आपको देता है एक अच्छी परफॉर्मेंस, आपको मिलती है एक अच्छी परफॉर्मेंस, जिस वजह से जब भी आप सिटी में चल रहे हो या हाईवे में चल रहे हो तो थकान होना जो है वो फटीक को ज़रूर वो यहाँ पर जो है वो कम करेगा। एग्जॉस्ट नोट भी हल्की सी हल्का सा लगता है कि जैसे एग्जॉस्ट नोट पे भी काम किया गया है, जैसे N9 की एग्जॉस्ट नोट थोड़ी डिफरेंट है जो है वो साउंड करती है। अभी चलते टाइम भी रियलाइज हो रहा है कि एग्जॉस्ट नोट हल्के से जो है वो हार्शर एंड पर रखी गई है इंटेंशनली, ताकि एक स्पोर्टियर वाइब यहाँ पर जो है मैच कर सके गाड़ी के साथ। गाइस एक चीज़ और, जब आप सीमलेस डिज़ाइन के बारे में बात करते हो जैसे आपने वर्ना में देखा, यहाँ पे देखा कि या सेल्टॉस के अंदर देखा, ये देखो स्क्रीन तो सेम ही यूज़ करते हैं, 10.25 इंचेस की स्क्रीन है यहाँ पे, टच स्क्रीन, एंड 10.25 इंचेस की है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेकिन इन दोनों का जो एडजॉइनिंग पॉइंट है यहाँ पे थीम ना डार्क रखी गई है ताकि ईजिली इनको मिक्स कर सकें, इनकी स्क्रीन को यू नो डाइल्यूट कर सकें, एकदम मिक्स हो जाए। और अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इनके दो डेड एंड्स यहाँ पर है, तो वो ज़रूर है। पहले यही शिकायत जो है ना वरना के अंदर थी, तो उनके डिफरेंशिएटिंग फैक्टर विजिबल था क्योंकि वरना का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एक एंगल पे था एंड ये काफ़ी स्ट्रेट था, और यही चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक अलग से एंगुलर, ये भी है एक अलग से जो है वो आर्क यहाँ पर दिया, और इस वजह से स्क्रीन जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है एंड एक प्रीमियम फील देती है। आपका जो ओवरव्यू है ना हमेशा इंडिकेट करता रहता है कि कौन सी गाड़ी पीछे है, तो आप हमेशा से ध्यान रखते हो और ये ब्लाइंड स्पॉट से जो है वो जरूर बचते हो। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एडास के स्विचेस हैं वो सब यहीं पर स्टेयरिंग पर ही माउंटेड है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। जैसे कि आपके पास में एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल का बटन यहीं पे है, लेन कीप असिस्ट का बटन आपके पास में यहीं पे ही है, तो रडार का बटन, ये तमाम चीज़ें एडास अगर आप यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो यहीं से मिल जाता है। तो फिलहाल ये देखिए, मैं इस प्रैक्टिस को अवॉइड करता हूँ बट क्योंकि मुझे डेमोंस्ट्रेट करना है तो इसलिए मैं यहाँ पर हार्ट छोड़ने पड़ेंगे मुझे। ये देखिए अभी फ़िलहाल अगर मैं चाहूँ तो इसको क्रूज कंट्रोल पे सेट कर देता हूँ एंड 96 में अभी फ़िलहाल सेट है, एंड जब आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे से जस्ट आगे होंडा सिटी है एंड ये दो लेन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहली लेन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये दोनों लेन के बीच में मेरी गाड़ी हमेशा रहेगी, एंड जैसे जैसे होंडा सिटी अपनी स्पीड कम करेगी वैसे वैसे यहाँ पर भी वो स्पीड जो है वो कम होती हुई नजर आएगी। अभी फिलहाल ECU ने मुझे इंडिकेशन दिया है कि तुम स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लो, अब उसने सेंस कर लिया था, मैं दोबारा छोड़ता हूँ तो ये देखिए अभी 90 की स्पीड पे है होंडा सिटी। अब क्योंकि उससे जस्ट आगे स्कॉर्पियो है तो मुझे लगता है कि वो ब्रेक करेगी, डेरियो को उसने ब्रेक करी और यहाँ पर मेरी भी स्पीड जो है वो डाउन हो गई।
अब जैसे ही मैं लेन चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेन चेंज कर रहा हूँ, तो जो स्टेयरिंग है ना वो रिस्ट्रिक्ट करेगा मुझे, रोकेगा कि नहीं आप अपनी लेन से बाहर जा रहे हो। ये देखो हार्ड हो रहा है एकदम, तो मुझे अपोज करना पड़ेगा उस रिस्ट्रिक्शन को और दूसरी लेन में आना पड़ेगा। अब ये अपनी स्पीड जो है वो दोबारा अटेन कर लेगी 96 किलोमीटर पर आवर पे, क्योंकि वहाँ मैंने सेट किया हुआ है एंड हम जो है वो स्कॉर्पियो से आगे आ चुके हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ एडास। तो कहीं गलती इंसान से भी अगर होगी तो उसका ECU एंड इसका एडास सिस्टम जो कि लेवल 2 है वो यहाँ पर हमेशा सेंसर के रखेगा। फिलहाल मुझे लगता है मुझे स्टेयरिंग कॉलम को पकड़ लेना चाहिए। अच्छा, ये जो स्क्रीन है दोनों भले ही ये ब्लैकआउट की गई हो, इनकी थीम जो है ब्लैक रखी गई हो, बट अच्छी बात यह है कि भारी भरकम धूप पर भी इनका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा नहीं है। अगर मैं देखूँ तो मुझे हर चीज़ विजिबल है। और अक्सर क्या होता है ना कि जब हम धूप होती है तो हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं वो भी उनकी स्क्रीन भी हम नहीं देख पाते, क्योंकि Hyundai हमेशा प्रीमियम कल्चर को फॉलो करता हुआ आया इंडिया में एंड एट बजट। तो यहाँ पर वो चीज़ भी आपको नजर आएगी कि ब्राइट सन में भी आपको स्क्रीन विजिबल है। दोनों ही पैडल्स में, चाहे वो ब्रेक पैडल हो या एक्सेलरेटर पैडल हो, उसमें मेटालिक फिनिश दी गई है विद रबराइज्ड ग्रिप्स, ताकि आपके जो पैर हैं वहाँ पर ग्रिप बना सके और आप जो है इधर उधर मूव ना करें अपने पैर को। मेटालिक टच के साथ में आप जानते हो फ्रिक्शन नहीं बन पाता है, तो इस वजह से एक्स्ट्रा एलिमेंट एंड रबराइज ग्रिप जो है वो दी गई है। फुटरेस्ट है और कमाल का फुटरेस्ट है। मेरा जो शू साइज़ है वो 10 है एंड उस लिहाज से मैं ईजिली यहाँ पर पैर जो है वो अपना रेस्ट कर पा रहा हूँ। देखो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के फायदे तो बहुत है और यही फायदा यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हो, पैसेंजर अपने टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट करेगा एंड ड्राइवर अपने हिसाब से सेट करना चाहेगा। तो जस्ट इन केस ड्राइवर को ठंड लग रही है तो आप यहाँ से टेम्परेचर रेज कर दीजिए, और अगर पैसेंजर को जो है वो गर्मी लग रही है तो अपना टेम्परेचर रिड्यूस कर सकता है। तो ये एडवांटेज ज़रूर मिलता है। बट ब्लोअर स्पीड जो है वो सेम ही है दोनों की, तो अगर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियाँ हो, जो जितनी वॉल्यूम में ब्लोअर जो है वो यहाँ पे हवा थ्रो करेगा दैट विल रिमेन सेम फॉर बोथ पैसेंजर एज वेल एज फॉर ड्राइवर। ये एक कॉन मुझे लगता है। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग यहाँ पे USB-C टाइप फ्रंट एंड रियर दोनों में दिया गया है एंड पीछे जो है ना सनशेड का ऑप्शन दिया गया है, जिसकी वजह से जो पीछे पैसेंजर बैठे हुए हैं उनकी एक तो प्राइवेसी भी दखल नहीं होती, ऊपर से यहाँ पर अननेसेसरी धूप जो पड़ती है जो गाड़ी को गर्म भी बनाती है वो यहाँ पर जो है वो बचती है। और जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे होते हो तो अक्सर क्या होता है कि हम देसी जुगाड़ू लोग हैं, हम क्या करते हैं एक टॉवल विंडो में फंसा लेते हैं ताकि अंदर तक जो है वो धूप ना लगे, और उस चीज़ को बचाने के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पे Hyundai ने दिया है जो सेल्टॉस के साथ में भी आता है, वो है ये रियर के सनशेड्स। साउंड क्वालिटी हो, इंटीरियर्स की फिट एंड फिनिश हो, प्लास्टिक क्वालिटी हो, मटेरियल क्वालिटी हो और लेदरी टच हो, इन तमाम चीज़ों में प्रीमियम नेचर जो है वो Hyundai का झलकता है। आप कहीं पर भी पूरी गाड़ी में जो है वो अननेसेसरी के अनइवननेस जो है वो नहीं निकाल पाओगे, नेट पिक भी नहीं कर पाओगे। तो जो परफेक्शन है डिज़ाइन के मामले में, जो परफेक्शन है फिट एंड फिनिश के मामले में, वो अभी भी बरकरार है। और ये Hyundai के साथ में ना काफ़ी टाइम से है, मतलब हम लोग तो 98 से देख रहे हैं कि सेंट्रो आई, उसके बाद जितनी भी गाड़ियाँ धीरे धीरे आई उन सब में एक चीज़ डिफ्रेंशिएटिंग थी, वो थी इनकी प्लास्टिक क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी एंड द बिल्ट में बात कर रहा हूँ, नॉट द ओवरऑल सेल आउट है या किस तरीके से उन्होंने सेफ्टी मेजर किए, नहीं मटेरियल की जो बिल्ट है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी अगर हम कनेक्टेड फीचर्स के बारे में बात करें, ब्लूलिंक के बारे में बात करें, तो वो तमाम चीज़ें 70+ जो है वो कनेक्टेड फीचर्स ऑफर किए हैं। एडास में भी काफ़ी सारे फीचर्स आपके पास में मिलते हैं। एडास लेवल 2 एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब Hyundai हमें ये सेंड करेगी, ये प्रोडक्ट सेंड करेगा। तो वैसे तो हमने डिटेल में वॉक अराउंड में इसके कॉस्मेटिक चेंजेस और मैकेनिकल चेंजेस के भी बारे में बात करे थे, क्या फीचर्स एड ऑन हुए उनके बारे में बात करे थे, लेकिन जो मोटा मोटा तौर पर अगर हम देखें कॉस्मेटिकली क्या डिफरेंट है वो है इसकी एक ग्रिल, और इस ग्रिल में रेड इंसर्ट थ्रू आउट द बॉडी आपको रेड इंसर्ट्स नजर आएंगे। आप चाहे कोई भी कलर लें, 3 कलर ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा 2 वेरियंट्स में लॉन्च की गई थी N8 एंड N10, और यहाँ पर 16,82,000 रुपए पे ये कॉस्ट की गई एक्सोरूम स्कैनेट वेरियंट विद मैनुअल ट्रांसमिशन एंड इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तकरीबन 1.5 लाख रुपए महंगा लॉन्च हुआ था। सो दोस्तों दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई जस्ट होप कि आपको ये ड्राइविंग सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें लेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, अंडर फॉर नेक्स्ट टाइम बाय बाय, कीप लर्निंग कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।